देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई ये बेहद ही स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट है इंटरव्यू स्पेशल बॉलीवुड हिडन सीक्रेट इस खास प्रोग्राम की। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, वो फुल डिटेल बताएंगे आपको, क्या है वजह कि सलमान के सामने आने से इतना कतराती है ब्यूटी क्वीन, टाइमलेस ब्यूटी डिवा जिन्हें कहा गया नाम ऐश्वर्या राय बच्चन का। नए साल पर हर सेलिब्रिटी ने अपने अपने अंदाज में जश्न मनाया। ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ नए साल की शुरुआत करती नजर आई, जिन्होंने अपने हस्बैंड अभिषेक की फिल्मी सफर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए उन्हें पूरी तरह से दी है आजादी की। आप सारी जिम्मेदारियों से मुक्त है, आप अपनी फिल्मी सफर पर ध्यान दें, मैं बेटी का अकेली ख्याल रखूंगी, बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं होगी। आज वो ऐश्वर्या राय बच्चन जो कि अपनी सासू माँ जया बच्चन के हर एक फैसले का सम्मान करती है, आज वो ऐश्वर्या जो अपनी सासू माँ का ना सिर्फ दिल जीत बैठी है बल्कि जया बच्चन हमेशा अपनी बहू के बारे में बात करते हुए खुलकर उनका सपोर्ट करती है। पनामा मामले में ईडी के सामने पूछताछ के दौरान ऐश्वर्या को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, तब संसद भवन में सरकार पर निशाना जया बच्चन ने साधा था। सपा की एमपी होने के बावजूद उन्होंने जो कहा था सीधा सरकार को लेकर भड़ास निकाला उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन के पूछताछ को लेकर। ऐसे में जया बच्चन का साथ तो हमेशा मिला ऐश्वर्या को। अब विश्वास फिल्म के प्रमोशन के दौरान अभिषेक ने कहा कैसे उनकी पत्नी जिम्मेदारी पूरी उठा रही है बेटी, किस कारण आज वो फिल्मी सफर में व्यस्त है। वही ऐश्वर्या सलमान को लेकर जो मुंह तोड़ जवाब दे बैठी थी सुनकर आप भी हैरान रहेंगे। जानिए कैसे उन्होंने टूटे रिश्ते पर सारे खुलासे किए, देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टार्स के स्टेटमेंट्स की चर्चा तो जोरों शोरों से हर जगह होती है। यहाँ पर भी हम आप सब के बीच स्टार्स के स्टेटमेंट्स की ही बात करना चाहेंगे। एक बार फिर से हम उन स्टेटमेंट्स के बारे में बात करना चाहेंगे जो आप भी जरूर सुनना चाहेंगे। चलिए हम आपको हमारे इस खास रिपोर्ट में आज ये भी बता दें वो स्टेटमेंट्स जो आपने भी नहीं सुने होंगे स्टार्स के। चलिए इस बारे में भी बता दें, दिलचस्प खबरें तमाम आती है सलमान खान और ऐश्वर्या के टूटे हुए रिश्ते को लेकर। लेकिन अपने टूटे रिश्ते को लेकर बाल बाल सवालों से बचने वाले ऐश्वर्या सलमान कभी ना कभी ऐसे सवालों से टकरा ही जाते हैं जिसका सामना उन्हें आखिर में करना ही पड़ता है। सलमान ऐश्वर्या जो बोलने में कभी नहीं कतराते, ऐश्वर्या का नाम सुनने पर हमेशा ब्लश करने वाले सलमान खान को ऐश्वर्या कहने में भी तकलीफ नहीं होती। ऐश्वर्या राय बच्चन कहते हैं सलमान, क्योंकि ऐश्वर्या शादी के बाद बच्चन परिवार की बहू है। सिर्फ ऐश्वर्या राय नहीं, सलमान जब भी नाम लेते हैं ऐश्वर्या का तो पूरा नाम मून कर लेते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन वो कहते हैं ऐश्वर्या को, क्योंकि वो जानते हैं वो एक ऐसे परिवार की बहू है जिसका नाम सम्मान प्रतिष्ठा मायने रखता है बॉलीवुड के लिए। सलमान को आइडियलाइज करने वाले खुद सलमान खान के ऐसे प्रशंसकों को पता है कि सलमान जो है अमिताभ के कितना ज्यादा सम्मान करते हैं। जया बच्चन ने भी वक्त आने पर काला हिरण मामले पर सलमान खान के पक्ष में अपनी बात रखी थी मीडिया के सामने। जब सलमान को 5 साल का जेल की सजा सुना दी गई थी साल 2018 में, तब सभी काफी तकलीफ में थे, सलमान भी दुखी थे। 2 दिन के लिए उन्हें जेल में गुजारना पड़ा था, तो जया ने सलमान के पक्ष में बात रखी थी। अमिताभ ने भी बॉलीवुड एक परिवार है ये कहकर सलमान का सपोर्ट ही किया था एक वक्त आने पर। ऐसे में आज की डेट हम आपको बताना चाहेंगे, अभिषेक भी सलमान से मिलने पर कभी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करते, तो भला उस घर की बहू को कैसे सलमान कभी भी एम्बेरेस होने दे। लेकिन जब बात ऐश्वर्या की आती है तो ऐश्वर्या का व्यवहार बहुत ही अलग, बहुत ही ज्यादा अलग होता है। जी हाँ, यहाँ हम आप सबको हमारी इस खास रिपोर्ट में बताना जरूर चाहेंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन का जो व्यवहार है सलमान खान को लेकर ऐसा होता है कि लोग खुद भी चौंक जाते हैं।
ऐसा होता है कि लोग भी इस पर यकीन नहीं कर पाते। चलिए आपको बता दें हमारी इस खास रिपोर्ट में सुपरस्टार सलमान खान को लेकर एक बार ऐश्वर्या से एक बहुत ही बड़े रिपोर्टर ने चेतन शर्मा ने उनसे सवाल कर दिया था, जिसका जवाब देते हुए ऐश्वर्या ने कहा, आप सबको इस ड्रामे के साथ बहुत मजा आता है, इस तरह के ड्रामे की बात करने में बहुत मजा आता है, आप इस ड्रामे को बहुत एंजॉय करते हैं। ये ड्रामा उनका जो सलमान खान के साथ अतीत से जुड़ा है, ये ड्रामा उनका शाहरुख के साथ जो झगड़े से जुड़ा है, ये ड्रामा उनका जिसमें आमिर खान की फिल्म में ऐश्वर्या की रिप्लेसमेंट से जुड़ा है। ऐश्वर्या ने अपनी बात जब इस पर रखा था, लोग काफी हैरान रह गए थे। ऐश्वर्या राय बच्चन ने इंटरव्यूअर को मुंहतोड़ जवाब दिया था और गुस्सा भी निकाला था। जिस रिश्ते के टूटे हुए 20 साल गुजर गए हैं, उस रिश्ते पर क्यों लोग बार बार बात करते हैं? 25 अगस्त की तारीख को साल 2021 में ये खबर खूब अपडेट हुई थी और यहाँ आपको बताना चाहेंगे, जब खानदान को लेकर ऐश्वर्या ने कॉमेंट करने वाले को जवाब दे दिया था। जी हाँ, खानदान यानी कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, जिनके साथ ऐश्वर्या रेयरली फिल्म करती है। ऐ दिल है मुश्किल में शाहरुख के साथ सलमान खान की एक्स लेडी लव ऐश्वर्या तो नजर आई, लेकिन सलमान के साथ बाजीराव मस्तानी फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया था। ऐश्वर्या ने कहा था कि जो फिल्म करने से, जिस आदमी के साथ काम करने से उनके परिवार की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को लेकर लोग सवाल खड़े करें, उस तरह की फिल्में करना, उस आदमी के साथ काम करने से के बजाय वो नुकसान झेलने के लिए, करोड़ों का नुकसान झेलने के लिए तैयार है। तो ऐश्वर्या का रवैया सलमान के प्रति लगातार सिर्फ अपने परिवार के मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए रहता है, क्योंकि आज वो किसी परिवार का सम्मान है। बच्चन परिवार की वो बहू है, इज्जत प्रतिष्ठा जो बच्चन परिवार की है वो ऐश्वर्या से भी जुड़ी है। तो ऐसे सवालों और ऐसे हालातों से जूझते वो नहीं देना चाहती है अपने सास ससुर या पति को। तो यहाँ ऐश्वर्या राय बच्चन ने बिग स्क्रीन पर मेमोरेबल जो परफॉर्मेंस दिया, जिसमें हम दिल दे चुके सनम से लेकर फिल्म देवदास तक है, उस पर तो हमेशा चर्चा रहेगी। लेकिन 90s के दौर की और 2000 स्टार्टिंग के दौर की एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन से जब ये पूछा गया एक इंटरव्यू में चेतन शर्मा की द्वारा, एक क्वेश्चन किया गया उनका बॉन्ड जो है खान के साथ इस पर, तो वो बहुत गुस्सा हुई। दरअसल चेतन ने कहा, देयर इज ऑल्सो दिस यू कैन कॉल इट एक्यूजेशन और दिस काइंड फीलिंग दैट सीम्स टू बी दैट यू हैव जस्ट नॉट बीन एबल टू स्ट्राइक द राइट कोड विद द खानदान, द आमिर, द सलमान, द शाहरुख एंड परहैप्स दैट्स नॉट हेल्ड यू इन गुड स्टेड। तो इसका जवाब ऐश्वर्या ने दिया, यू गाइज एंजॉय दिस ड्रामा सो मच, आप इस ड्रामे को बहुत एंजॉय करते हैं, यू कैन कीप दिस गोइंग, इट कीप्स यू ऑल एंटरटेन, यानी कि आप ये सब करना शुरू कर चुके हैं और आपको ये सब करके मजा आता है, आप करते रहे, मेरा नाम जोड़ते रहे इन लोगों के साथ, आपको अगर मजा आता है तो करते रहे, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन इस तरह की बातों का मैं जवाब नहीं दूंगी। आगे विवेक को लेकर सवाल होने पर ऐश्वर्या ने कहा, क्यों आप सभी ऑटोबायोग्राफी का इंतजार नहीं करते? मेरा ऑटोबायोग्राफी आएगा तो इसमें आप सबको जवाब मिलेगा, किसका कितना क्रेडिट रहा है उनकी जिंदगी में और किस प्रकार का रिश्ता किनके साथ उनका रहा है। ये था ऐश्वर्या का एक एक शब्द सलमान को लेकर, आमिर और शाहरुख को लेकर। तो आज इंटरव्यू स्पेशल में आपने जाना है बच्चन परिवार की बहू कैसे बच्चन परिवार की मान सम्मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखती है, सम्मान को कैसे वो बरकरार रखती आई है, और क्यों कहा जाता है मोस्ट आइडियल वुमेन ऑफ बॉलीवुड ऐश्वर्या राय बच्चन को, मोस्ट आइडियल मॉम, मोस्ट आइडियल वाइफ, मोस्ट आइडियल डॉटर इन लॉ कही जाती है ऐश्वर्या, क्योंकि उन्होंने रिश्ते निभाने जिस तरह से सिखाए हैं लोगों को, अपने आप में काबिले तारीफ है।
दोस्तों आज स्टार लाइफ में इतना ही, लेकर लौटेंगे ऐसी ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम खबरें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।